वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के अनुसार मिलता है। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं, जो भी बात कहते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक के जो भी खाते पीते और पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि घर के वास्तु पुरुष की हमारे हर क्रियाकलाप पर दृष्टि होती है। वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन के प्रत्येक दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित भी कुछ नियम है, जैसे कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं, किस तरह नहाना चाहिए और किस तरह नहीं। तो आज हम देखेंगे कि वास्तु शास्त्र में महिलाओं के नहाने से संबंधित किन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय अगर कुछ नियमों का पालन भी करें तो घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से है वो नियम, महिलाओं को किस प्रकार से नहाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि ये देवताओं के स्नान का समय है। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिलाओं को नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, काम के लिए उत्साह बना रहता है, आलस कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। दोस्तों, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है और सुख शांति आती है। इसलिए महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और रोग द्वेष दूर हो जाते हैं और परिवार में आपसी स्नेह बना रहता है। दोस्तों, नमक हमारे रोज के खाने की एक बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी घर में दिन रात कल है या लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते रहते हैं, तो उस घर की महिलाओं को नहाने के पानी में नमक मिलाकर नहाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है और ये राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करता है। ये उपाय करने से घर की सारी नकारात्मकता, तनाव और संकट दूर होते हैं और सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सुबह उठने के बाद कभी भी ये काम ना करें, वरना आपके सभी काम बिगड़ते ही रहेंगे और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छे हों तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन अच्छा गुजरे और आप अपने सभी काम अच्छे प्रकार से कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुबह आँख खुलते ही कुछ कामों को करने से बचा जाए। हम आपको ऐसे ही तीन कामों के बारे में बताएंगे जो सुबह उठने के तुरंत बाद आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर वन, सवेरे सवेरे ईश्वर की आराधना की जाती है। ऐसे में जब आप सुबह की शुरुआत ही गलत तरीके से करेंगे तो शास्त्रों में इसे घोर पाप माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को सुबह के समय काम वासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय पूजा भक्ति और मन में अच्छे विचार उत्पन्न करने का समय बताया गया है। ऐसे में काम वासना सुबह के समय करना उचित नहीं है, क्योंकि ये आपके नरक के दरवाजे खोल सकता है। सुबह होने के कुछ समय बाद आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर दो, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को अपने लिए बहुत ही शुभ मानते हैं और आंखें खुलते ही सबसे पहले उसी का चेहरा देखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में सुबह होने के तुरंत बाद आईने में खुद को या किसी का चेहरा देखना भी मना ही है। इसके अनुसार आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करते हुए आंखें खोलनी चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। इससे पूरा दिन आप पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और आप अपने सभी काम पूरे ध्यान के साथ और सफलता पूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों, नंबर तीन, सुबह उठते ही ईश्वर के चरण, आराधना, शंख की ध्वनि, मंदिर की आवाजें, गायत्री मंत्र सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। आप रिकॉर्डिंग आवाजें भी सुन सकते हैं।
अपने बेडरूम में मोर पंख या खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य लगाएं और सुबह उठते ही सबसे पहले इसे देखें। या आप चाहे तो इसे इस तरह से लगा सकते हैं अपने बेडरूम में कि जब भी सुबह आपकी आंखें खुले तो सबसे पहले आपकी नजर इन पर ही पड़े। दोस्तों नंबर 4, ज्यादातर लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अखबार उठाते हैं या न्यूज चैनल देखते हैं। अखबारों को खबरों का स्रोत माना जाता है। ऐसे में न्यूज़पेपर में कई खबरें तो ऐसी होती है जो नकारात्मक विचारों और बुरी आकृतियों से भरी होती है। अब क्योंकि कुछ हद तक इसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही अखबार पढ़ना या न्यूज देखना आपके दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह दिमाग में एक प्रकार की खिन्नता पैदा करता है और लंबी नींद के बाद आपके दिमाग में जो ऊर्जा एकत्रित हुई है, जो सकारात्मक ऊर्जा आपने पूरी रात में संचय की है, उसे नष्ट कर देता है। और ऐसे में आप उस बुरी खबर को पूरा दिन भर अपने दिमाग में भर लेते हैं। ऐसे में ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों नंबर 5, सवेरे सवेरे किसी भी हिंसक पशु की तस्वीर ना देखें, ना ही लड़ाई झगड़ा करें। ये आपके शुभ ग्रहों की स्थिति खराब करता है और पूरे दिन आपके मस्तिष्क को बेकार की बातों में उलझाए रखता है। दोस्तों वहीं बहुत से लोगों को उठते ही चाय की आदत होती है और वो बिना ब्रश किए ही चाय या कॉफी का आनंद लेते हैं। ऐसा करने पर राहु केतु का प्रभाव पड़ता है। इससे आपके जीवन में बेकार की परेशानियां आती है और सभी काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सुबह अगर आप बेड टी लेते हैं तो ब्रश किए बिना कभी भी ऐसा ना करें। ब्रश करना अगर संभव ना हो तो कम से कम सादे पानी से कुल्ला अवश्य कर ले, यानी कि पानी से मुंह अच्छे से साफ कर ले। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही खास बात हम आपको जो बताने वाले हैं वो है कि महिलाओं को नहाते समय इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए जिसे वास्तु शास्त्र के अनुसार भी गलत माना गया है और अक्सर महिलाएं ये गलती कर बैठती है। नहाते समय किसी भी महिला को पूर्ण रूप से नग्न होकर नहाना नहीं चाहिए। ये वास्तु शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एक महापुराण पद्म पुराण में इसका कारण एक कथा के रूप में बताया गया है कि महिलाओं को सार्वजनिक रूप से पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कहानियां तो आपने अनेकों बार सुनी होगी। इनमें से आपने वो कहानी भी सुनी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और इस कहानी को आपने मात्र श्री कृष्ण की गोपियों के साथ मस्ती समझ लिया होगा, लेकिन ये असली कारण नहीं है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की गोपियों को और सभी महिलाओं के लिए एक सीख छुपी हुई है। जब भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं और फिर वहीं पास में ही कदम के पेड़ पर बैठकर मजे से बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां समझ जाती है कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने ही चुराए हैं, तो वो उनसे अपने वस्त्र वापस देने की याचना करती है। श्री कृष्ण पहले तो वस्त्र लौटाने से मना करते हैं और फिर गोपियों के बहुत मनाने के बाद उन्हें स्वयं ही बाहर निकलकर वस्त्र ले जाने के लिए कहती है। गोपियां कहती है कि वो उनके सामने पानी में से निर्वस्त्र बाहर कैसे आ सकती है। तब इस पे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी तब तुम्हें लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें इस अवस्था में मेरे साथ साथ अन्य ने भी देखा है। मैं तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप में इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। साथ ही धरती, आकाश तथा पानी में रहने वाले जीव जंतुओं और पशु पक्षियों ने भी तुम्हें ऐसे देखा होगा। स्वयं जल देवता वरुण ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है और वो भी तुमसे बहुत क्रोधित है। वो आगे कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार जब हम नहाते हैं तब हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और हमारे वस्त्र में से गिरने वाले पानी को ग्रहण करते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से वो ऐसा नहीं कर पाते और अतृप्त होकर हमसे क्रोधित हो जाते हैं। तब गोपियों को अपनी भूल का एहसास होता है और वो श्री कृष्ण, वरुण देव और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करती है और कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान न करने का संकल्प लेती है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके वस्त्र लौटा देते हैं। इसलिए दोस्तों तभी से कहा जाता है कि महिलाओं को विशेष रूप से सार्वजनिक पर कभी भी निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।